हेलो, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं जी कौन साहब, कहाँ से? से बोल रहा हूँ, हजर अबासी, हैदर अफगानिस्तान से। अब्बासी साहब, मरी कौन सी जगह से? खास मरी से बोल रहा हूँ जी, मरी जीपीओ से। हाँ बड़ा प्यारी जगह यार, माशाल्लाह। आगे आगे वो मैंने बड़ी मेरी तस्वीरें हैं आपके जीपीओ पे। मेरी शॉप का अच्छा, जी जीपीओ है, मैं वैसे रहता तो गाँव में हूँ, पर हाँ जीपीओ के पास मेरी शॉप है। अच्छा, किस चीज की? ये परचून की शॉप है, जनरल स्टोर है। अच्छा, जनरल स्टोर है, माशाल्लाह। बासी साहब फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं सर, वनडे के बारे में पूछना चाह रहा था मैं, जी? दूध देने वाले जानवरों के लिए। वैसे तो आपके मैंने सारे प्रोग्राम देखे हैं, जी मैं कुछ कुछ चीजें समझना चाहता हूँ आपसे। तो जी पूछें, आपने बिस्मिल्लाह। खाना रिकमेंड किया है दूध वाले जानवरों के लिए, गाय और भैंस के लिए, जी, ये आपने 15 से 25% किए हैं। ये आप वो प्रोग्राम देख रहे हैं जो इब्तदा में मैंने नॉर्मली मैं यही रिकमेंड करता था, 15 से 25%। लेकिन अगर आप बाद में एक फ्री रेंज वंडा जी वो लिखेंगे ना, दो दियल जी फ्री रेंज वंडा, तो उसमें मैंने ये रेंजेस इनको रिवाइज किया है। तो उसमें हम मैंने खले 15 से लेके 45% तक भी आप दे सकते हैं अच्छा, 15 से 45 तक। जी। और पूछे पहले मैं खाल के तौर पर खाल गुलौला भी मिल रही है हमें, खाल सरसों भी मिल रही है और खाल तूरिया भी मिल रही है। वेरी ये दोनों हम गुड। तीनों मिक्स करके इनको 45 तक ले जा सकते हैं कि एक ही किस्म की खाल डालनी है? नहीं, वो देखना होता है कि पैलेटेबल कौन सी है, कौन सी ज्यादा अच्छे रगबत से कौन जानवर कौन सा खाता है, ठीक है? अगर वो खाता है खल बनौला बड़े शौक से, हम अक्सर देखा है ना वो खाते हैं, लेकिन कई एक जानवर हैं वो खल तोरिए को मुंह ही नहीं लगाते, कई एक खल सरसों को बड़ा पसंद करते हैं। ये है कि आपने, क्योंकि खलों की अफादियत है अपनी अपनी जगहों पे, और खल बनौला है, खल तोरिया है, खल सरसों है, इन सब में जो होती है ना प्रोटीन, वो बहुत ज्यादा होती है इनमें। और प्रोटीन जो ज्यादा होती है खल बनौला में, सबसे ज्यादा काबिले हजम भी, और वैसे प्रोटीन भी अच्छी खासी इसमें है, तोरिया में भी है। ये प्रोटीन का सोर्स है। आप ये नहीं कि एक ही खिलाएं, अगर मिक्स करके खिलाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? जो आपको ठीक इजीली लगे, और सस्ती मिलती है वो ज्यादा डाल लें। आपको थोड़ा टाइम वेस्ट करूंगा मैं। आप मुझे खाता मंडे का फार्मूला बता दें, मैं आपको बता देता हूँ मैं यहाँ से क्या क्या चीजें मुझे मिल जाती हैं। मेरी जान, मैं आपको वनडे का फार्मूला, आपको फ्री रेंज वनडे का फार्मूला दे देता हूँ। अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लें, कौन कौन सी चीज सस्ती मिलती है, बेहतर है वो आप कर लें, जो नहीं मिलती उसको डिस्कार्ड कर दें, जो ज्यादा मिल रही है उसको आप रेंज करके पूरे का पूरा एडजस्ट कर लें, 100 किलोग्राम बना लें। मैं बंडा बनवाता हूँ पिंडी से, अब मैं खुद जाके बनवा के लाता हूँ अपने पास खड़े होकर, ग्राइंडर वाली मशीन है उनके पास, मेरे पास घर में मशीन तो नहीं है, तो वहां से जाके बनवा के लाता हूँ। ठीक है, उनके पास सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, सारी चीजें चले भी होती हैं। चले, मैं आपको रेंज मैं दे देता हूँ, आप अपनी हाँ मर्जी से कैलकुलेट करके आप फार्मूला फिट कर लें, और वहां से जाके जहां बनवाते हैं वहां से हाँ पिसा लाएं, क्योंकि हर हर बंदा तो पीस नहीं सकता ना। तो भाई मैं इनको मोटा, खलों को खासतौर, खाल जो होती है खलों को मोटा मोटा पीसते हैं। और अगर कई एक जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास कोई मशीन नहीं है, कोई आप इनको पीस नहीं सकते, अगर पिसाई मुमकिन ना हो तो इनको भिगो कर नरम कर लें तो ये, और बाद में अनाज को मोटा मोटा पीस लेते हैं और उसको फिर मिक्स करके सारा कुछ कर सकते हैं। तो मेरी जान, आप लिखें जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने पूरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को टाइम दिया हुआ है इस वक्त का 11 से 1 बजे तक। तो 11 से 1 बजे तक मरी कोई नहीं मिलना, ये और दुनिया में भी लोग कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल आप बिल्कुल सही लिखें, बात, ये खलें जो हैं ये 15 से 45%, 15 से 45 ठीक है। और इसी तरह सनती मसनूआत हैं
जिसमें चोकर है, राइस पॉलिश है, मकई का ग्लूटन है, ये सारे सनती हम इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये सारी जितने भी इनमें से जो भी मिले, जितना मिले वो 25 से लेके, ये बहुत बड़ी रेंज दे रहा हूं, 65% तक आप डाल सकते हैं। ठीक है सर, ठीक हो और गया। इसके बाद गल्ला जात हैं जिसमें मकई है, गंदम है। ये गंदम को इंडिया वाले नहीं समझते भाई, ये गंदम वीट, मकई मेज है, वीट है, ज्वार है, सोरगम, ज्वार ये पश्तो पठून पठान ये ना समझे, मकई मकई को वो ज्वार कहते हैं, तो ज्वार इज ए सोरगम। इसी तरह आप एक जौ होता है, वो आजकल खास तौर पे गर्मियों में मैं प्रेफरेंस देता हूँ जौ को डालें, ये 5 से 10% तक आप डाल सकते हैं। रेंज है इसकी मिनिमम 500 के जी बना रहे हैं तो 5 किलोग्राम है। ये मकई, गंदम, ज्वार, जौ, जो जो चीजें मैंने बताई हैं इनमें से वो 5 से 10 किलोग्राम ये वेट में डाल सकते हैं। ठीक इसी हो गया तरह सर, गन्ने का शीरा या राब, ये भी मिल जाता है। शीरा राब, ये जहां बहुत ज्यादा दस्तियाब है और वो ज्यादा भी डाल सकते हैं, जहां पे कम है वो 5 लीटर से लेके तो मैक्सिमम 25 लीटर तक की रेंज मैंने दी हुई है। ठीक हो गया सर, ये भी हो गया। और खाने वाला नमक ये आधा किलो से लेके 1 किलो की रेंज है। और इसी तरह बुझा हुआ चूने का पाउडर जो होता है, बुझा हुआ हो उसका चूने का पाउडर जो है वो भी आधा किलो से 1 किलो। और इसी तरह डीसीपी ये होता है डाई कैल्शियम फास्फेट, ये भी आधा किलो से 1 किलो तक। आधा से एक, ठीक हो गया जी। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर मिल जाता है, वो ये भी मिल मिनरल जाता है मिक्सचर वो भी आधा किलो से 1 किलो तक रेंज है। और सर, थोड़ा सा यूरिया में डिटेल और नहीं, बता। यूरिया नहीं मैं डलवा रहा इसलिए कि ये थोड़ा सा लोगों को मिलाने का, और इसकी मकदार अगर यूरिया की ज्यादा हो जाए तो जानवर को खिलाने से जहरीलापन का वो शिकार हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यूरिया डाले। तो ये लेकिन सस्ता और प्रोटीन का सोर्स है, इसलिए लोग जो जानते हैं किस तरह टेक्निक है जो मैंने बता रखी है उस तरह, वो अगर उनको पानी में पहले अच्छी तरह मिक्स करके यूरिया को और फिर उसको शीरे में मिला के फिर इन सारी चीजों के ऊपर मिला देते हैं तो भले आप उस तरह कर सकते हैं यूरिया लेकिन उसकी रेंज भी मैं 1 किलो से 2 किलो तक रखी है, 1 से 2% तक, ज्यादा नहीं करना। अच्छा सर, एक बात और पूछनी है, जो सोयाबीन मील होती है या बनोला मील होती है, ये अगर बंडे में शामिल करना चाहिए, इसी बंडे में, मेरी उसकी क्या जान रेंज है? आप जब सोयाबीन मील ये चूंकि महंगी है वो जब आप यूज करेंगे तो खले जो रेंज मैंने 15 से 45% दी हुई है उसकी रेंज कम कर लें। उसकी कितनी कम कर दूँ सर, अगर ये शामिल करना चाहूँ तो? आप मुझे क्या पता आप कितना डालना चाह रहे हैं, मैं जितना ये डालू इतना वो कम कर लूँ। मेरी जान मैं क्या कह रहा हूं, कोई फारसी नहीं मैं बोल रहा, बिल्कुल आम सिंपल जबान में कह रहा हूं कि प्रोटीन का सोर्स होती है खले, और ये जो सोयाबीन मील है ये भी प्रोटीन का सोर्स है, तो आप अगर वो डालेंगे और उससे आप खल बिनौला को कम कर लें, खल तोरिया को कम कर लें, तो ये ठीक हो गया, कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। और मेहरबानी, दूसरा, ये बंदे अगर दुआओं में याद रख जी। बंदा आए घर बनौला को, आए घर वहां जाए, इसी बंदे को भी डलवा सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ऑयल जो है वैसे रोजाना नहीं कहता मैं, हफ्ते में 2 दफा इन सब जानवरों को जो दूध देने वाले हैं या नहीं देने वाले, इनको 4 जो भैंसे हैं भैंसों को आधा लीटर तक आप हफ्ते में 2 दफा सरसों का तेल गर्मियों में दे दिया करें, हफ्ते में ट्वाइस अ वीक, वो आप वनडे में मिला के भी दे सकते हैं, वैसे भी पिला सकते हैं, लेकिन उनको
अथू वगैरह वो नहीं होना चाहिए। हमेशा जो भी पिलाना हो ड्रेंचिंग गन यूज किया करें, ड्रेंचिंग गन से वो फिर अथू नहीं लगता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दुआओं में याद रखें अब्बासी साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, कमजोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रिज्क देता है और तुम्हारी मदद करता है। बुखारी से मैं कोट कर रहा हूं। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहब ज़्यादा को इजाजत दें। फी मान अल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रबता करें। शुक्रिया।